कोरोना महामारी के चलते अलविदा जुमे में जहां भारी तादाद में लोग नमाज अदा करने आते थे, लेकिन आज सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। जहां पर नवी की मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों ने नमाज पढ़ी। नवी की मस्जिद ही नहीं बल्कि ज़िले भर की सारी मस्जिदों में सिर्फ 5-5 नमाजियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। ये है जो गवर्नमेंट की हमारी जो गाइडलाइंस है, शासन प्रशासन ने जो है बड़ा अच्छा काम किया है, गाइडलाइंस दी है, दे दिए, तो हमारे मुक्तदियों और नमाजियों को ये परेशानी नहीं हुई। वो अपने घरों पर नमाज उन्होंने पढ़ी, 5 लोगों ने मस्जिदों में नमाज, जहाँ जहाँ नमाज हुई, पाँच लोगों ने नमाज अदा करी है, 5-5 करके। और इस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा और बीमारी जो बला परेशानी जो फैली हुई है जो यहाँ पर और पूरे हिंदुस्तान में, हम दुआ करते हैं हमेशा के लिए ये बीमारी बला हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए, बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, ताकि सारी आवाम खुशहाल हो जाए दोबारा। और इससे हम आप आवाम को ये संदेश देना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो अपने जब घरों से निकले तो मास्क लगा करके निकले और मस्जिदों में 5 लोग जाएँ, अपने घरों में नमाज अदा करें और बीमारी से खुद अपने आप को भी बचें। हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए, बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, ताकि सारी आवाम खुशहाल हो जाए दोबारा। और इससे हम आप आवाम को ये संदेश देना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो अपने जब घरों से निकले तो मास्क लगा करके निकले और मस्जिदों में 5 लोग जाएं, अपने घरों में नमाज अदा करें और बीमारी से खुद अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, इसका लिहाज रखें, ताकि बीमारी फैल न सके। बीमारी हमारी सरकार गवर्नमेंट जो इसमें तमाम काम कर रही है उसमें उनका साथ दें, ताकि बीमारी और बला हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। हम दुआ करते हैं कि बीमारी अल्लाह हमेशा के लिए हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इसको ख़त्म फरमा दे। देश में फैले कोरोना महामारी को चलते आज रमज़ान के अलविदा जुमे में ज़िले की सारी मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। वहीं बताया गया है कि सभी लोग ज़िले में अपनी अपनी मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों की ही नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है, जिसको लेकर आज नवी की मस्जिद में मंजूर हाफिज साहब ने बताया कि आज नवी की मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है जो यहाँ पर नमाज अदा की गई है। अब देखना यह है कि ज़िले से